कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर लेके आई हूँ लीलन का बिल्कुल न्यू कलेक्शन, जो पहले ना शायद अभी आपने देखा भी नहीं होगा मार्केट्स में। बिल्कुल न्यू डिज़ाइंस, न्यू आर्टिकल हैं इसके, और ये रेप्लिका नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। ये ओरिजिनल ड्रेस हैं ब्रांड्स के, तो जो जो इसके ऊपर लिखा हुआ ओरिजिनल है, कॉपीज़ नहीं है। और इनका स्टफ़ माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है, मैंने अपने भी स्टिच करवाए हैं। तो ये जो फर्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे सिल्क होती है ना, आपको शाइनिंग से भी इसका अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन देख लें ये लीलन है, इतनी अच्छी ज़बरदस्त लीलन है। ये बिल्कुल मुलायम जैसे रेशम होती है ना, उस तरह का बनी हुई है ये लीलन। तो डिजिटल प्रिंट है सारा, मैं आपको बता दूँ, सी ग्रीन कलर है इसका, डिजिटल प्रिंट है सारा। फ्रंट भी प्रिंटेड है, बैक भी प्रिंटेड है, लाइट सा एम्ब्रॉयडरी गला है। जिनको एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा नहीं पसंद ना, तो ये प्रिंट में बना हुआ है, रेशम सी लीलन जैसे होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट उस तरह की बनी हुई है। तो बड़ा नाइस आर्टिकल है ये डिजिटल प्रिंट का। और इसका ट्राउज़र जो है बिल्कुल प्लेन है, जस्ट शर्ट प्रिंटेड है इसकी, फ्रंट से भी बैक साइड से भी। और इसका जो दुपट्टा है ना, वो भी लीलन का है, और साइड पे जो होती है ना पट्टी बनी हुई है, उस पर भी थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट सी ना एम्ब्रॉयडरी है। तो ये भी बड़ा नाइस है। इसके दो कलर्स हैं मेरे पास, एक जो मैं आपको दिखा रही हूँ और जो एक नेक्स्ट है वो। जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो फर्स्ट ड्रेस है उसका सेकंड कलर है पर्पल कलर में, एक सी ग्रीन है और एक पर्पल, दो कलर मेरे पास है, दोनों एक से बढ़ के हैं। ये भी माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा है। थोड़ा सा इसका डिजिटल प्रिंट चेंज है, आप देख सकते हैं। इसकी भी शर्ट के फ्रंट के ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग की हुई है, बैक साइड पर भी डिजिटल प्रिंट है, जस्ट लाइट सा गला है। और सेम वही आर्टिकल है, लीलन दुपट्टा है और साइड पर लाइट लाइट सी एम्ब्रॉयडरी। और इसका भी ट्राउज़र जो है ना बिल्कुल प्लेन है। ये जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लैक कलर में है, ब्लैक आपको पता है सबका फेवरेट। इसका सारा प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी गला काफ़ी भरा हुआ है, देखिए फुल गला है, साथ में पैचेस भी दिए हुए हैं, दामन पे भी लगा सकते हैं। कैटलॉग में उन्होंने कहीं भी यूज़ नहीं किया, अगर हमें लगाना हो तो हम ट्राउज़र पर भी लगा सकते हैं, बिकॉज गले के साथ कंट्रास्ट किया हुआ है ना पैच को, दामन पर भी सूट करेगा अगर आपने लगवाना हो तो, अदरवाइज़ ट्राउज़र पे भी लगवा सकते हैं या ना लगवाएं, हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, डिपेंड करता है किस तरह की हम लाइक करते हैं ना। कुछ लोग नहीं लाइक करते पैचेस वगैरह को, तो हम इसको अलग भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। कहीं और सिंपल प्लेन ड्रेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये भी बड़ा नाइस आर्टिकल है। इसके साथ ना शेफोन का दुपट्टा है, और ट्राउज़र जो है इसका प्लेन है, और इसकी लीलन बहुत ज़बरदस्त है, मोटी लीलन है इसकी। बिकॉज एक ड्रेस मेरे पास है इस तरह का, मैंने शिलिंग किया था, तो लीलन माशाल्लाह से काफ़ी जैसे है ना पहले ड्रेसेस की निस्बत इसकी लीलन ज़्यादा मोटी है, सर्दियों के लिए है। और साथ में इसके ना शिफॉन का दुपट्टा है ब्रीक।
नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्लैक बेस कलर, ऑरेंज कलर सब का मिक्सर है ना, तो बड़ा ज़बरदस्त और नाइस ड्रेस है ये। तो इसका मैं आपको कैटलॉग भी दिखाऊंगी, वहाँ से आइडिया हो जाता है इंसान को कि कैसे स्टिच किया हुआ। स्टिचिंग के बाद आपको पता है ड्रेस और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो वैसे भी इतना प्यारा है, एम्ब्रॉयडरी कला है और ये डिज़ाइन न्यू आर्टिकल है, यूनिक सा है, न्यू आर्टिकल न्यू डिज़ाइन। और इसकी शॉल मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी, ट्राउज़र भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है, लाइट सा बेस कलर पेन कलर में ना, तो ये कलर कंट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त है आपको आ रहा है, और आर्टिकल भी ये बड़ा नाइस सा है। नेक्स्ट ड्रेस है ये भी मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ब्लडी रेड मेहरून होता है ना वो कलर है ये, तो बहुत ही नाइस है। एक तो कलर इतना अच्छा है और ऊपर से इसका गला जो है मुझे उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद आई है बिल्कुल। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा सा रॉयल ब्लू कलर होता है ना, जैसे सॉरी नेवी ब्लू, उसका थ्रेड यूज़ किया हुआ है, बड़ा नाइस लग रहा है ये। और इसका जो ट्राउज़र है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ट्राउज़र इसका बहुत ज़बरदस्त है, ट्राउज़र के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना सच्ची बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आप देखें इसका ट्राउज़र और इसकी शॉल भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस है, मुझे ये बड़ा पसंद आया था, पर है एक लास्ट ही था बिकॉज मैंने सोचा था इस तरह का 3-4 ले लूँगी, बाकी ड्रेसेस के हैं काफ़ी मेरे पास लेकिन ये लास्ट था। वन भी बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है जिसका मैंने आपको थंबनेल लगाया था, तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। तो ब्लैक सॉरी रेड कलर बेस कलर और ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी कला है और फ्लावरिंग प्रिंट में इसका जो है ना ट्राउज़र है, बड़ा ही नाइस है, जिससे कैटलॉग में बना हुआ है सेम उसी तरह से है। शॉल भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल न्यू यूनिक सा स्टाइल है ना, नया कैटलॉग डिज़ाइन है, तो ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। मैं एक और बात बता दूँ, मेरा जो नंबर होता है वीडियो के स्टार्ट में दिया होता है, जो नीचे मेरे अक्सर कमेंट्स में रीड करती हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा सिस्टर्स नंबर मांगती हैं तो नीचे काफ़ी लोगों ने दिया होता है कि ये इनका नंबर है, वो बिल्कुल रॉन्ग होता है। आई डोंट हैव एनी मॉडरेटर जो आपको गाइड करेगा कि आप ये इनका नंबर है एक्ट, मैं खुद ही अपना सेल्फ से रिप्लाई करती हूँ और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर विश कर रिप्लाई होता है वही रिप्लाई होता है, अदरवाइज़ आपको कोई रिप्लाई करे कोई आपको नंबर दे तो प्लीज़ ये स्पैम होते हैं, इनकी चक्करों में ना आना। अल्लाह जाने कोई लड़के होते हैं जान के लड़कियों को देख के इस तरह के कमेंट्स करते हैं ताकि वो आप पाकिस्तानी यूट्यूबर विश समझ के उनको मैसेज करेंगी, तो इट्स ऑल फ्रॉड, आप जानते हैं क्या हालात हैं आजकल के, सो बी केयरफुल। मैं आपको बता दूं पाकिस्तानी यूट्यूबर विश से आपको रिप्लाई आए वही रिप्लाई आप माना करें, अदरवाइज़ कोई आप कहे ये नंबर उनका है या आप यहाँ से इनसे रब्ता कर सकते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, आप प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।